Hello everyone, I hope you are fine and doing well. So in this video I am going to tell you about the efficient ways through which you can actually make your account on Fiverr or kahan se aap start le sakte ho as a new seller. So please do watch this video for efficient and optimized way of making an account on Fiverr, okay? So first of all, what you have to do is you have to open fiverr.com and then click on join. So when you click on join, it will give you about the different ways through which you can log in, okay, sign up. आप Facebook के थ्रू भी कर सकते हो, Google के ID के थ्रू भी कर सकते हो और आप Apple के ID के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है. So I am right now making a temporary Gmail account. तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से आपको आगे बताता हूँ. I am starting from very scratch because ताकि कुछ लोगों को बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता, ताकि उनको कोई मसला ना हो. सो मैंने जीमेल उठाया. दिस इज़ अ टेम्प्ररी जीमेल और आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है. बट आप लोगों ने अपना जो परमानेंट जीमेल है वो यूज़ करना है, नॉट टेम्प्ररी, क्योंकि ये कुछ मिनट्स के लिए है. मैं सिर्फ इस अकाउंट के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस फॉर्मेट इज़ नॉट राइट. सो लेट मी सो यहाँ पे आपने अपना कोई यूज़र नेम चूज़ करना है और कोई पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है. तो मैं अपना यूज़र नेम अभी के लिए QWERTY कर देता हूँ. QWERTY 101 टेकन है, 10 QWERTY 1110. और यहाँ पासवर्ड मैं अभी एक कोई भी पासवर्ड आप ले लें. ठीक है, और मैंने एक पासवर्ड चूज कर लिया और यहां से आप इस तरह ज्वाइन कर लेते हो. दिस इज राइट नाउ अ बायर अकाउंट, कि आप किस तरह एक ऐसा बायर देखता है, ठीक है, अकाउंट को. तो यहां पे आप लोगों ने जाके ये फाइबर प्रो खोला हुआ है इन्होंने, लेकिन जो भी है मैं यहां पे जाके बिकम सेलर यहां पे होगा कहीं पे, बिकम अ सेलर, ठीक है. तो यहाँ पे आपने जो बिकम अ सेलर करना है, तो आप यहाँ पे बिकम अ सेलर जब करेंगे ये, तो इसके बाद आपको ये ले जाएगा बिकम अ सेलर और इसको कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू. अब यहाँ मेन जो चीज़ है आप लोगों ने, ये आपकी प्रोफाइल हो रही है, बन रही है, ठीक है. यहाँ पे जो आप नेम सेलेक्ट करोगे दैट विल बी वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो सेलेक्ट वाइजली, ठीक है. तो कोई भी आप अपना नेम लिख लें, ठीक है. मेरा नाम आई एम गिविंग इट अली हसन, ठीक है. और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपने प्रोफेशनल पिक्चर देनी है, ठीक है. कोई रैंडमली पिक्चर उठा के नहीं दे देनी, बिकॉज इट लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन द क्लाइंट्स. अगर आपकी कोई अनक्लियर पिक्चर होगी या कोई ऐसी पिक्चर होगी जो अनप्रोफेशनल होगी, तो इट लीव्स अ बैड इम्प्रेशन ऑन द क्लाइंट्स, क्योंकि बायर्स को आपकी एक जब आप गिग बनाते हो उसकी वो सिर्फ आ रही है आपको सिर्फ टाइटल गिग का नजर आ रहा होता है और आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होती है, ठीक है. और डिस्क्रिप्शन में आपने एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग, व्हाट यू आर इनटू. यहाँ पे आप लोगों ने लेट्स से अगर आप वेबसाइट मेकर हो तो डू राइट यूज़ द कीवर्ड्स ऑफ वेबसाइट मेकर इन दिस वीडियो, ठीक है. अगर आपने राइटर हो तो आपने कंटेंट राइटर्स के कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स कहाँ से आप लोगों ने ढूंढने हैं, ठीक है. व्हाट कीवर्ड्स यू कैन यूज एंड दिस कीवर्ड्स विल हेल्प यू इन द डिस्क्रिप्शन जो आप नेक्स्ट आगे यूज कर सकते हो, उसमें भी यूज हो सकता है और ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको एक ठीक है एक टूल होता है हमारे पास keywords.io, ठीक है. तो keywords.io पे जब आप जाओगे यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है. और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट तरह के बताएगा कि कहाँ से आप वो कर सकते हो, कीवर्ड्स उठा सकते हो, ठीक है. मैं यहाँ पे फाइवर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है. और बल्कि इसको मैं लॉगिन, अच्छा तो यहाँ पे फाइवर जब आप लोगों ने सेलेक्ट किया, मैं इसको फ्री अकाउंट ऐसा यूज़ कर रहा हूँ राइट नाउ. और यहाँ पे आप सीड कीवर्ड्स यूज़ करना चाह रहे हो राइटिंग के, ठीक है.
और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा राइटिंग के कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड आप डाल सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स इन वाइल मेकिंग द डिस्क्रिप्शन, और आप जो भी आगे यूज़ कर बनाओगे फॉर यू नो उसके लिए गिग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ आई एम आ प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, और यहाँ पे आप 150 करेक्टर्स आप लोगों ने डालने हैं विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। ड्यूरिंग द पीरियड आई वर्क इन डिफरेंट मल्टी नेशनल कंपनीज एंड हैव डिजाइंड अराउंड 50 प्रोफेशनल वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी आप डालना चाहो, ठीक है, जो आपके रेलिवेंट्स हो। फिर आप बताओ कि किस तरह की वेबसाइट्स आपने बनाई हैं, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है या कोई और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई है, तो डैट्स टोटली अप टू यू। लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपने सेलेक्ट करना है, और उसके अलावा ये करना है कि आपने डिफरेंट जो स्पेनिश है, फ्रेंच है, आपने 4 लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। डू ऐड दीज लैंग्वेजेस बिकॉज लेट्स से अगर मैं स्पेनिश यूज़र हूँ, लेट्स से मैं उर्दू यूज़र हूँ, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज एज अ बायर आया हूँ और आई ओनली न्यू उर्दू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स से मैं सर्च करूँगा फाइवर डॉट कॉम पे के कंटेंट लिखने वाला चाहिए, ठीक है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे अब ये नहीं है क्योंकि उर्दू वाले ऐसा होते नहीं है, लेकिन अगर ये स्पेनिश में हो तो आपको ये मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल के थ्रू स्पेनिश। कंटेंट राइटर, ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ये लेट से कोई स्पेनिश यूज़र आता है, कोई स्पेनिश कस्टमर आता है और वो स्पेनिश में सर्च करता है, तो ये अब जो होगा, अब ये स्पेनिश, अच्छा ये अब ये कहाँ पे आ गया, ठीक है। आई विल राइट स्टोरीज इन स्पेनिश फॉर योर ई बुक। अब कीवर्ड तो हमने स्पेनिश लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक ये कंटेंट राइटर लिखा हुआ है, बट क्योंकि इसने लैंग्वेज स्पेनिश पुट की हुई है अंदर, नॉट इन टाइटल बट इन इन एक्चुअली लैंग्वेजेस, तो ये इसको शो करवा रहा है। तो अगर आपने ये ना डाला हो लैंग्वेजेस, तो आपको ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको शायद कोई ना बताए, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और आपने 4 लैंग्वेजेस डालनी है, आप इंग्लिश डालो, स्पेनिश डालो, फ्रेंच डालो एंड चाइनीज डालो, जो आप कस्टमर आपके जो जहाँ से ज़्यादा हो, ठीक है। स्पेनिश और मैक्सिकन आप डाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन भी आप अब इसमें आप राइटिंग भी अगर जा रहे हो, ठीक है, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, गेम राइटिंग, दो तीन आप 2 से 5 ऐड कर सकते हो। 5 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस शो किया है तो आप 2017 से करो। एंड लीगल राइटिंग, इसके अलावा अब कौन सी स्किल्स है, राइटिंग की स्किल है ना आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है, आपने इसमें सेलेक्ट करना है। आर्टिकल्स राइटिंग में कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट में कर रहा हूँ, आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप सारे स्किल्स ऐड करो जितने ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन आप डालो, लम्स डालो या फिर IBA डालो, जो आपके मेजर रहा है वो डालो। एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, और वैसे भी आपके पास आजकल सर्टिफिकेशन उसकी आ जाती हैं, EDX की आ जाती है, कोर्सेरा की आ जाती है, आप सारी सर्टिफिकेशंस डालो। अगर आपकी वेबसाइट है वो डालो, बिकॉज दिस लीव्स एन वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट्स, ठीक है, क्योंकि अब वो समझते हैं कि यार ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ओके। और यहाँ पे आप अपने फेसबुक, गूगल, ट्विटर वगैरह कनेक्ट करो, और क्योंकि ये आपकी कंप्लीशन शो कर रहा होता है, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है। 100% हो जाए तो बेस्ट है। और सिक्योरिटी के लिए आपने फिर इसको अकाउंट को वेरीफाई कर देना है, ठीक है, और ईमेल के थ्रू, क्योंकि मेरा टेम्प्ररी ईमेल है, आई कैन नॉट वेरीफाई इट राइट नाउ। और आपने फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। तो ये मुझे अब जब आप कर जाओगे, अब वो 65%, क्योंकि मैंने अभी सारी चीज़ें ऐड नहीं की, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अलाउइंग मी टू क्रिएट अ गिग, ठीक है। तो यहाँ से
जब आप 100% करोगे और ये आपको बता भी देगा कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो टू कंप्लीट दिस, और ये जब आप ऐड करोगे तो दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज टू 80 to 90%, आप 100% ईजिली कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक एन अकाउंट ऑन फाइवर. एंड फिर इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इन द बकेट इज़ कि हाउ टू क्रिएट अ गिग इन अ मोस्ट एफिशेंट वे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली इफ़ योर गिग इज़ नॉट गुड, इफ योर ऑफर इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट गोइंग टू हैव कस्टमर्स. बट बिफोर क्रिएटिंग गिग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने आपको इसमें बता दिया लैंग्वेज का, पिक्चर्स का, और इस डिस्क्रिप्शन का, और डिस्क्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स कहाँ से उठाने हैं वो मैंने आपको बता दिए कि keyword.io आपने यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द रेलिवेंट कीवर्ड्स. और वहाँ से आप लोग फिर कंटिन्यू करोगे डिस्क्रिप्शन राइटिंग में. दिस इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर्स, ओके, दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गिग, दिस इज़ कॉल्ड अ गिग, ओके. ये जो आप ऑफर होती है गिग की डिस्क्रिप्शन ये होती है, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ गिग, दिस इज़ योर डिस्क्रिप्शन. इसमें भी आपने अपने कीवर्ड इम्बेड करने हैं. सो डू फॉलो दीज ट्रिक्स वाइल क्रिएटिंग योर अकाउंट. सो जब आप अकाउंट बनाओगे एंड इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट यू कैन एक्चुअली एडिट इट विदाउट, बट यू कैन नॉट एडिट द यूज़र नेम. तो इस ट्रिक्स को फॉलो करो एंड होपफुली वी आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड हम अपनी जो जर्नी है फ्रीलांसिंग की वो वेरी सून स्टार्ट कर देंगे. एंड लेट्स क्रिएट अ गिग एंड लेट्स हैव सम ऑर्डर्स. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.